नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सेकेंड अपडेट के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनकी संख्या 81 है। ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का ट्वीट है जो इसकी पुष्टि करता है। इसमें लिखा गया है कि 81 मोर कोविड 19 केसेज इन बिहार, टेकिंग टोटल 6662, यानी कि 6662। आप सोचिए कि कितनी रफ्तार से कोरोना वायरस बिहार में बढ़ रहा है। तो इन संख्या की जो वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। 81 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, अब जो है कि 6662 चली गई संख्या। अगर जो जिला की बात करें, कौन कौन से जिले में पेशेंट मिले हैं जिसका जिक्र किया गया है, तो इसमें जमुई है, शेखपुरा है, दरभंगा है, जहानाबाद है, राजधानी पटना भी है। देखिए, राजधानी पटना की हम बात बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ पर और जिलों से ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर इंतजाम होते हैं। लेकिन इस बीच पटना में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। नौबतपुर, इससे पहले भी नौबतपुर में मिल चुका है, इससे पहले फुलवारी शरीफ में मिला था, उसके बाद दीघा, उसके बाद कुमरार, और एक बार फिर से नौबतपुर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। इसके बाद औरंगाबाद, रोहतास, वैशाली, पूर्णिया, बांका, नवादा, गया, सिवान में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सिवान को कहा जा रहा था कि वो बिहार का वुहान बन चुका है, लेकिन वो काफ़ी पीछे छूट गया और वहाँ पे जो मरीज़ है बहुत बहुतायत संख्या में ठीक होने लगे और फिर वो घर वापसी करने लगे। लेकिन एक बार फिर से सिवान में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम बात कर लें नालंदा की, तो नालंदा भी उन जिलों में से एक है जिसमें सबसे पहले संक्रमण शुरू हुआ था और बहुत ही तेज़ी से बढ़ा था, लेकिन फिर संक्रमण कम हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से वहाँ पर संक्रमण देखने को मिल रहा है। कटिहार जिला जो है, कटिहार में बहुत देर से संक्रमण शुरू हुआ था। कटिहार किशनगंज का जो इलाका है उसमें संक्रमण बाद में हुआ, लेकिन अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बेगूसराय, मुंगेर, सहरसा, ईस्ट चंपारण, किशनगंज और इसके साथ ही साथ दरभंगा और पूर्णिया, इन सभी जगहों पर भी कोरोना पेशेंट्स मिले हैं। और एक जिला और भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में दो कहर से लोग जूझ रहे हैं, एक तो इंसेफ्लाइटिस चल रहा है, चमकी बुखार, और दूसरे तरफ से कोरोना का बीमार लोग झेल रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में कोलाहल की स्थिति है, लेकिन मुजफ्फरपुर वो जिला है जिसमें संक्रमण देर से पहुंचा था, लेकिन अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बिहार में एक बार फिर से 81 कोरोना पॉजिटिव्स मिले हैं, जिसके बाद संख्या 6662 हो चुकी है। अब आपको बता दें कि बिहार में जो है तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का दावा सरकार कर रही है। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार समीक्षा बैठक करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, लेकिन अब दो तरह से बिहार घिरने वाला है। एक तरफ जहां समीक्षा बैठक होती है बाढ़ को लेकर के, दूसरी तरफ समीक्षा बैठक होती है कोरोना को लेकर के। आज 16 तारीख है, आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे और अपना फीडबैक देंगे, अपने स्टेट के बारे में बताएंगे कि उनके राज्य का क्या हाल चाल है। देखते हैं कि उसके बाद क्या केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया जाता है। फिलहाल बिहार में कोरोना बढ़ रहा है, आप भी सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए, लाइव सिटीज को देखते रहिए, हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को भी लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।